मैं अपने बाबा से, अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन कल को जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी, तुम दोनों को पीछे छोड़ के आना होगा। अच्छा तुम अपने ईमान से बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या नूर तुम्हें अपनी माँ और बहन के साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी रहता हुआ देख सकेगी? माँ की कसम खा के बताना। क्या बात है, कुछ तो बोलो। वो उन्होंने मुर्तजा का रिश्ता तहने से कर दिया है। क्या क्या के तेरे बिना मैं नहीं के मेरे बिना तू नहीं। मुर्तजा, कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो। तुम तो मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को नूर, मैं समझ रही हूँ कि तुम पे क्या गुजर रही होगी, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मुझ पे क्या गुजर रही है। अच्छा, तुमसे हमदर्दी करनी चाहिए। अरे हाँ, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है ना। I'm so sorry. I feel so bad for you. मुझे माफ कर दो। लेकिन क्या करें तहनियत, चलती ट्रेन से जब खुद कोई गिर जाए ना, तो हमदर्दी की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमदर्दी तो उसके साथ करनी चाहिए जिसे मोहब्बत से, प्यार और खुलूस से, दोस्ती के रिश्ते में बांधकर बहुत ऊंचाई पे लेके जाया जाए और वहां से धक्का दे दिया जाए। प्लीज नूर, मुझे इल्जाम मत देना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था। वेरी वेल प्लेड। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था सिवाय बेवफाई के। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था सिवाय बेवफाई के। सुनो नूरुलैन, अगर तुमसे किसी ने बेवफाई की है ना, तो उसका नाम मुर्तजा है, और इस पूरे सूरत हाल में काबिले रहम वो होता है जिसके हिस्से में बेवफा शख्स आए। मेरी बात पे गौर करना नूर। क्या हो गया ये सब? कैसे हो गया? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। नूर, ये क्या किया तुमने? मुर्तजा, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। जानते हो मुर्तजा, मोहब्बत की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? ये शक्लें बदलती है, रूप बदलती है,
जानते हो राहील के जाने के बाद मुझे लगता था कि मेरे लिए जिंदगी के मानी खत्म हो गए। दिल में जीने की, मुस्कुराने की, हंसने की उमंग भी जैसे खत्म हो गई है। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ राहील की मोहब्बत ने भी शक्ल बदल ली। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं रही, लेकिन दुख और तकलीफ कम हो गई। अब अरसलान, तुम और अम्मू, तुम लोग ही तो मेरी खुशियां हो, मेरी मुस्कुराने की वजह, मेरी जीने की उमंग। अभी लोगों को लगता है कि मर्द बहुत मजबूत होता है, हर फैसले की लाश बड़ी आसानी से अपने कांधों पर उठा सकता है, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि रिश्तों का मान रखना कितना मुश्किल होता है। एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे ताल्लुक की लाश गिराना मर्द के हिस्से में क्यों आता? बेचारा मर्द अपनी अधूरी मोहब्बत की मैयत के सराहने बैठकर रो भी नहीं पाता। खूनी रिश्तों की तौहीन जो होती, और शायद मतान की तरह रफात है। मुर्तजा नाखुश है, बहुत उदास है वो। जख्म लगने में जितनी तकलीफ होती है ना, उससे कहीं ज्यादा उसके भरने में होती है। चोट खा के संभल लाई तो बहादुरी। अम्मी, आपको नहीं लगता कि हमने ये फैसला बहुत जल्दी में किया है? ना हमने नूरुलैन को सोचने का वक्त दिया और ना ही मुर्तजा को। कैसी बातें कर रही हो तुम तायरा? नूरुलैन को मौका देने का मतलब समझती हो? ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुखालिफ फौज को अपने किले के दरवाजे खोलकर अंदर आने के लिए कह दिया जाए। मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, अपने घर की बहू बनाने की ख्वाहिश करती रही हमेशा। अब जो मैंने उसकी आंखों में जीत का नशा और गुरूर देखा, वो मेरे लिए काबिले कबूल नहीं था। तुम जानती हो, जो औरत जीत का नशा लेकर अपने मर्द की जिंदगी में दाखिल होती है, उसके लिए उस मर्द के साथ जुड़े तमाम रिश्ते बेकार होते हैं, तबाह कर देती है उन सबको। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं मुर्तजा का दिल रखने के लिए तुम्हारा और अरसलान का मुस्तकबिल तबाह नहीं कर सकती। सब समझती हूँ अम्मी, मैं खुद को मुर्तजा का कसूरवार समझ रही हूँ। जान, देखो, जब हम मुर्तजा को तहनियत के साथ खुश देखेंगे ना, सब बातें हमें भूल जाएंगी। और हमेशा याद रखना, मुर्तजा और नूरुलैन के दरमियान हम दोनों कभी नहीं आए। ये नूरुलैन के अपने फैसले हैं जो उनके दरमियान आए, समझी?
क्यों फोन कर रही हो मुझे? नूरुलैन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। बात करने की जरूरत है? बात करने की? क्यों? अब बचा ही क्या बात करने को? नूर, बचपन से लेकर अब तक तुम और मैं दोस्त हैं। क्या ये ताल्लुक इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो कुछ अब तुम मेरे साथ शेयर कर चुकी हो ना तहनियत, उसके बाद तो ताल्लुक भुलाया जा ही नहीं सकता। अच्छी तरह से पूरी जिंदगी याद रखूंगी कि कब किसने मेरी पुश्त पे छुरा घोंपा था। कोई कठपुतली नहीं हो तुम जो अपनी बंधी डोरियां दिखा के मुझे लेम एक्सक्यूजेस दे रही हो। एक जीती जागती जानदार लड़की हो, जुबान रखती हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें, पूरी जिंदगी मेरे मुंह से जो उसके किस्से सुने तो उसकी जो अहमियत तुम्हारे दिल में बैठ गई थी मुझे पता नहीं है? अच्छी तरह से जानती हूं कि इस वक्त उसके नाम की अंगूठी पहने तुम्हारे दिल की क्या कैफियत होगी। इतने सालों की दोस्ती में अगर तुम मेरी नियत, मेरे खुलूस, मेरी साफ दिली को नहीं पहचान सकना हो तो ऐसी दोस्ती पे फातिहा पढ़ ली जाए तो भी अच्छा। हाँ, मुर्तजा के नाम की अंगूठी मेरे पास तो है, लेकिन दिल की कैफियत ऐसी है जैसे जंगल में आधी रात हो जाए और आसमान पे ना ही चांद हो और ना ही सितारे। यकीन कर सको ना कर सको, ये मैंने तुम्हारी दोस्ती पे छोड़ा। हाफिज़। परसों जो हमारी मीटिंग है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है और उनको कन्वे करना है, राइट? ओके, वेरी गुड। और एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड? नथिंग। हाँ, मुझे अपडेट करती रहेगा। ओके। अच्छा, और जो सारा डेटा है वो कौन कलेक्ट कर रहा है? तो ये सारी प्रेजेंटेशन बना के मुर्तजा, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं अभी मीटिंग में हूँ, मिलना बहुत मुश्किल है। मुर्तजा, शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। इट्स रियली इम्पोर्टेंट, हम जहाँ मिलते हैं वहाँ पहुँचो, मैं वेट कर रही हूँ। मेरी बात सुनो अभी तो। हेलो, I'm really sorry guys, हम मीटिंग को कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। श्योर सर। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें बिल्कुल भी। एक लड़की को यहां तक लाने का मतलब समझते हो तुम? जहां उसके जज्बात, उसकी सोच, उसकी उसकी जिंदगी का हर मूव तुमसे वाबस्ता है। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मेरी पसंद क्या है, मेरी सोच क्या है, क्या सोचती हूं मैं तुम्हारे बारे में। कोई वापसी का रास्ता नहीं है मेरे पास। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है इस मोड़ पे लाके किसी को मुंह के बल गिरा देना। ये होते एक मर्द के दावे, ये होते एक मर्द के तकाजे।
पता है नूरुल, एक इंसान सबसे ज्यादा मिजरेबल कब फील करता है? जब वो ना हक करके भी हक पर साबित हो। तो सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो जो कुछ हो। अच्छा, मैंने क्या तुमसे बेवफाई? मैंने तुम्हारे नाम की मूर्ति किसी और के हाथ में पहनाई है? मैं तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के गई हूँ? मेरी बात गौर से सुनो। ना कभी मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की और ना कभी किसी के हाथ में अंगूठी डाली। मतलब बेवफाई सिर्फ ये नहीं होती कि आप किसी को अलविदा कहते, बेवफाई ये भी होती है कि आप किसी को खाई के पास ला खड़ा करें और दूर खड़े होकर तमाशा देखें। तो मैंने तैनियत के साथ सिर्फ इसलिए रिश्ता जोड़ा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ऑप्शन नहीं थी? तुमने शादी से क्यों इनकार किया? अब मुझे कोई भी फजूल रीजनिंग नहीं देना क्योंकि तुम्हारा हर रीजन नाकाबिले कबूल है। तुम यहाँ ब्लेम गेम करने आए हो? अरे मुझे तो ये नहीं पता कि हम यहाँ पे करने क्या आए। ये करना है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पकड़ नहीं रह सकती। सुनो इस बात को, तुम अभी जाओ, अभी जाओ और शादी से इनकार करो। अब ये भी तो ठीक है, हम कर लेते हैं शादी, ओके? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं अगर तुम मेरा साथ दो। नूरुल, बताओ दोगी मेरा साथ? करोगे मुझसे शादी? मैं करूंगी शादी। तुम इससे इनकार करो पहले। अच्छा सही है, ठीक है ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। देखो हम मिलकर डिसाइड करते हैं। हाँ, कुछ चीजें मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, कुछ तुम कॉम्प्रोमाइज करो। मैं तैयार हूँ, हाँ हम करते हैं शादी। और तुम देखना, हम दोनों साथ बहुत खुश रहेंगे। हाँ, मना कर दो। देखो वसीम, तुम मेरे लिए सगे भाइयों से बढ़कर हो। तुम्हें दुख देने का कभी मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन जब नूरुलैन तहाइफ और मुर्तजा की दी हुई अंगूठी यहाँ वापस करके चली जाए तो इस बात का क्या मतलब हुआ? नूर मिली थी आज। नूर? वो क्यों मिल रही है अब तुमसे? आप ही वो चाह रही है कि हमारा रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए। तेरे बिना मैं नहीं, के मेरे बिना तू नहीं, तू नहीं। कैसे आप? आइए ना, आइए। अम्मी देखें तो सही कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ वसीम, आओ बैठो। बेटे तुम जरा चाय बना के लाओ मामू के लिए। जी। नहीं आपा, तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं है। तायरा यहाँ मौजूद हो तो ज्यादा बेहतर है। बैठो बेटा। आज हाँ कहो वसीम, खैरियत से? आपने मुर्तजा का रिश्ता तैनियत से कर दिया? हाँ। हमें इतला देने की जहमत भी नहीं की आपने। देखो वसीम, तुम मेरे लिए सगे भाइयों से बढ़कर हो,
तुम्हें दुख देने का कभी मैंने सोचा भी नहीं। लेकिन जब नूरुलैन तहाइफ और मुर्तजा की दी हुई अंगूठी यहां वापस करके चली जाए तो इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब रिश्ता खत्म, मंगनी खत्म, निस्बत खत्म। तो फिर उसके बाद मैं मुर्तजा का रिश्ता कहीं भी करूं, तहनियत से करूं, किसी और से क्या फर्क पड़ता है? उसकी माँ हूं, मेरा पूरा हक है कि मैं जो फैसला करूं अपने मुर्तजा के लिए, मेरी मर्जी है। ये तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी औलाद मेरी किसी बात को कभी रद्द नहीं करती, मेरी औलाद मेरे कहने में है। और ऐसा ही मैं अपनी बहू के लिए भी चाहूंगी। लेकिन देखो, रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, मगर दिलों को जोड़ने का हुनर अल्लाह ताला ने हम इंसानों को दिया है। लेकिन जो लड़की रिश्तों को जोड़ने से भागती हो, जिसे मर्द से जुड़े खूनी रिश्ते बोझ लगते हों, इजाफी लगते हों, कम से कम मेरे घर की बहू तो वो नहीं बन सकती ना। देखो, अगर सारे मर्द अपनी जिंदगी में आने वाली औरत के लिए अपने करीबी रिश्तों को छोड़ने लगे तो मुझ जैसी माँ और ताहरा जैसी बहनें कहाँ जाएंगी? तुम खुद ही बताओ, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। आपका मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। दिल तो आप लोगों का टूटा। इजाजत चाहूंगा। बेचारा क्या करे, इसके बस में तो कुछ भी नहीं, वो लड़की भी नहीं। नूरुलैन, अम्मी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तुम शादी के लिए अभी राजी हो? मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है, मंजूर है। जो तुम कहोगे ना वैसा ही होगा। हाँ, हम क्या करते हैं, हम अभी एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है? फिर जब अल्लाह पैसे देगा तो हम खरीद भी लेंगे, लोन ले लेंगे बैंक से। कितने कितने सॉल्यूशंस हैं जिंदगी में, थोड़े दिन रेंट पे रहने में कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? फिर देखो, हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं, हम दोनों जब अपनी सैलरीज मिलाएंगे तो हम सोचो कितनी चीजें कर सकते हैं जिंदगी में। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसा अगर इंसान करने पे आए ना और लग के मेहनत कर तो सब कुछ हासिल कर सकता है। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही हूँ। हम दोनों कितनी मेहनत करते हैं, कितने बड़े बड़े गोल्स हैं हमारी जिंदगी में, हम वो सब पूरा करेंगे। और पप्पू को तुम समझाना, उनको कहना कि हम पप्पू का और तारा आपी का बहुत ख्याल रखेंगे, वो हमारी फैमिली है। बस क्या है ना कि थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी हम दोनों को। देखो ना, अब लाइफ में जब आपके इतने गोल्स होते हैं, आप इतने करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो आप ये किचन पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ सकते। तुम देखना, मैं और तुम साथ होंगे ना, हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। नूरुलैन, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा इंसान हूं। नहीं, इतने बड़े ख्वाब नहीं है मेरे, इतने बड़े बड़े ख्वाबों का पीछा करके ना मैं थक के अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। तो तुम्हारी ये सो कॉल्ड मोहब्बत, इसे आज नजरें झुला लूं।
क्योंकि आज इस मोहब्बत की आखिरी मुलाकात थी। ऐसे बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कोई और हल निकालते हैं, ठीक है? हम डिस्कस करते हैं। नहीं, जाओ जी, हम कुछ और सोचते हैं। बैठो। क्यों ना समझे इशारा ना देंगे हम दुहाई दे मुहब्बत ये गवाही के तेरे बिना मैं नहीं के मेरे बिना तू नहीं के तेरे बिना मैं नहीं के मेरे बिना तू नहीं तू नहीं। डेनियल के बच्चों के एग्जाम्स कब हैं? नेक्स्ट मंथ। क्यों? अच्छी बात, मैं चाहती हूँ कि अब तुम इस झंझट से जल्दी छुटकारा हासिल करो, क्योंकि देखो ना, तुम्हारी शादी की तैयारी में 3 से 4 माह तो लग जाएंगे, क्योंकि तुम हर शाम इसी तरह से मसरूफ रहोगी तो बेटा शादी की तैयारी कब करेंगे? अम्मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास ना ये सब कुछ करने का टाइम नहीं होगा, और मैं अभी फिलहाल कुछ अरसे जॉब भी करना चाहती हूँ। देखो तैनियत, ये बात तुम्हारी मंगनी से पहले की, अब कौन सी जॉब? अपने दिमाग को अब तुम साफ रखो, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो लगता है आप मेरी अम्मी नहीं है, बल्कि उन लोगों का ना कोई नुमाइंदा है। मेरी ख्वाहिशों की कोई परवाह ही नहीं है आपको। तैनियत, एक्चुअली गेट खुला हुआ था तो मैं इसलिए अंदर आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम अंदर आके मेरी बात सुनो, जल्दी आ जाना। जी। I'm really sorry. शायद ज्यादा रूड हो गई मैं तुमसे, ओवर रिएक्ट कर गई हूं इस बात पे। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, अब मुझे लगा कि शायद कसूर किसी का भी नहीं है तहनियत, तुम्हारा कसूर नहीं है और मुर्तजा का भी नहीं, गलती तो हालात की है। क्या करें कि आप सब पप्पो को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो उनका घर संभालती, घरदारी संभालती, ना कि ऐसी कि जिसके अपने कोई गोल्स हों लाइफ में, जो अपने आप पे तवज्जो देने चाहती है, कुछ बनना चाहती है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है, मुझसे तो शायद अभी भी मेरे साथ होने को तैयार है, लेकिन पता नहीं लाइफ में शायद गोल्स इतने ऊंचे सेट कर लिए कि बाकी सारी चीजें बहुत छोटी नजर आने लगी।
अपने गोल्स के आगे, अपने इरादों के आगे शायद मैं किसी भी चीज की कुर्बानी देने को तैयार हूं। काश मेरी दोस्त भी इतनी स्ट्रांग होती, अपने लिए आवाज उठा सकती। एनीवेज, अब हालात के आगे तुमने सर झुकाई दिया है तो मुर्तजा का साथ मुबारक। बस मैं ये चाहती हूँ कि मुर्तजा को तो मैंने अपनी जिंदगी में खो ही दिया है, मैं एक और रिश्ता ना खोऊं। अपने दोस्त को नहीं खोना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। मुझ जैसे कमजोर इंसान को खोना क्या और पाना क्या। काश मुझ में तुम जैसा हौसला हो। जाने दो यार, I think such is life. ये जिंदगी के नशे पर फराज होते। अब देखो ना, इंसान की जिंदगी में महरूमियां ना हो तो इंसान कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं बन सकता। मुझे ना सीख ही नहीं सकता। मसला ये है कि बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था मैंने। बचपन से ही क्या खाना है, क्या पहनना है, कब उठना है, कब जागना है, सारे डिसीजंस मैंने खुद ही लिए अपनी लाइफ में, इसलिए आदत ही नहीं रही किसी को सुनने की। सभी तुम्हारे पास माँ है, जैसे आस पानती कहें वैसी कहें। बस एक दोस्तों वाला मशवरा है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी जिंदगी में फैसला लो, लेकिन कहने तो अपनी शनाख्त से कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना, क्योंकि इसी से आप पहचाने जाते हैं। Anyway, तुम ये तो बताओ तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? जॉब का था कि जल्दी आ जाओ, पता नहीं क्या पट्टियां बढ़ा रही होगी उसे। तहियत इतनी देर लगा दी तुमने, मैंने कहा भी था कि जल्दी अंदर आओ। नूर क्यों आई थी यहाँ? अम्मी, नूर कौन सा पहली बार इस घर में आई है? मेरी दोस्त है, इस घर में तो आना जाना उसका बचपन से लगा रहा है। तुम्हारी मंगनी के बाद तो पहली बार आई थी ना नूर यहाँ, बचपन की दोस्ती के रिश्ते से तो नहीं आई होगी, इतना तो मैं भी समझ सकती हूँ। अम्मी, आप लोगों के शदीद दबाव में आके ना मैंने मुर्तजा से मंगनी कर ली है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, नूर से दोस्ती खत्म कर दूं मैं? अरे वो बेचारी तो सब कुछ भुला कर मुझे सिर्फ मुबारकबाद देने आई थी। मुर्तजा से जो कुछ भी था उसका वो पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ चुकी है, सिर्फ मेरी दोस्ती की खातिर। वो भी इस दोस्ती को बचाना चाहती है, तो मैं क्यों ना बड़े दिल का मुजाहिरा करूं? देनियत, बहुत सीधी हो तुम नूर की चलाकियां नहीं समझ सकती। नूर के दिल में क्या है वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं हम समझ सकते। तुम्हें नूर से दूर रहना होगा, समझी?
तेल और आग की दोस्ती कितनी खतरनाक होती, ये तहनियत नहीं समझ सकती। कैसे समझाऊं इस लड़की को? हम अभी एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लेंगे, ठीक है? फिर जब अल्लाह पैसे देगा तो हम खरीद भी लेंगे, लोन ले लेंगे बैंक से। कितने कितने सॉल्यूशंस हैं जिंदगी में। और पप्पू को तुम समझाना, उनको कहना कि हम पप्पू का और तारा का बहुत ख्याल रखेंगे, वो हमारी फैमिली है। ये लो मुर्तजा, तुम्हारी चाय। थैंक यू, एक ब्लेसिंग है आप। अल्लाह ने औरत को बहुत मोहब्बत और बहुत मान से बनाया मुर्तजा। मैं जब अम्मी को देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है खुद से जुड़े रिश्तों का ख्याल करना ही एक सआदत है, और ये सआदत अल्लाह ने औरत के खमीर में रख दी है। क्या हुआ मुर्तजा, क्या बात है? नूर मिली थी आज। नूर? वो क्यों मिल रही है अब तुमसे? अभी वो चाह रही है कि हमारा रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए। मुर्तजा प्लीज, ऐसा कुछ भी आप फिक्र ना करें। आप मम्मी की तरबियत मेरे भी खमीर का हिस्सा है, वरना तहनियत को कबूल करना मेरे लिए भी कोई आसान काम नहीं था। आप ही नूर, अब वो नूर नहीं रहे जिसे मैंने मोहब्बत की थी। इस डिग्री ने उसके ख्यालात को नहीं, उसके दिमाग को ऊंचा किया। तालीम से उसका किरदार नहीं बल्कि उसकी आना और गरूर जरूर बुलंद है। अभी आप कह रही थी ना कि खुद से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखना एक औरत के नसीब में लिखी हुई सआदत है, लेकिन नूर को रिश्तों से नहीं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी पोस्ट से खुशी मिलती है, और ऐसी लड़की मुझसे शादी करने की ख्वाहिशमंद है। मुझसे आप जिसके लिए हर रिश्ता एक इबादत है।